हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट के एम में मैं हूं विमल प्रताप सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री तो एसिड बेस केमिस्ट्री के होपफुली आप लोगों ने तीन लेक्चर्स देख रखे होंगे यूट्यूब चैनल पर मैट के एम के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाएंगे आप तो एसिड बेस केमिस्ट्री आपको वहाँ पर अवेलेबल है ठीक है तो आप वहाँ से एक मिनट रुकी हाँ तो आप मैट केम के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट से तीन लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं एसिड बेस्ड केमिस्ट्री के जिन जिन लोगों ने एसिड बेस्ड केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर जिन जिन लोगों को एसिड बेस्ड केमिस्ट्री पढ़नी है वो सब लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें और उस लेक्चर के बाद आप आ सकते हैं इस लेक्चर को देखने या फिर आप पहले इस लेक्चर को हमारे साथ देख पूरा जो देख पूरा पढ़िए और इसके बाद जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है वो लोग उन तीन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा हो सकता है आ, हो क्या सकता है क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं एसिड बेस की उस प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा था सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एटके क्लासेस में और आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस इन केमिस्ट्री जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई टी जेम का एग्जाम हो सी एस नेट का हो या फिर गेट केमिस्ट्री का एग्जाम हो यह टॉपिक आपको कुछ ऐसे नंबर देकर जाता है जिन पर अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी तो वो आपको

Uh, लेकिन आपको मैं प्रेफर नहीं करूंगा ये चैनल स्पेशली जेई नीट के लिए तो बिल्कुल नहीं है लेकिन हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ओवरलैप करते हैं तो ये लेक्चर हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल लगे ठीक है तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन क्वेश्चन से मैच करते हैं तो जेई नीट के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस केमिस्ट्री के पूरे इस टॉपिक को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे आज कैसे मैं इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो हम लोग इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे थ्रू द क्वेश्चन जैसा कि हम लोग इस रैपिड रिव्यूजन रैपिड कैश कोर्स में हम लोग जैसा कि

और मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज मैटकेम क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करती है आई टी जैम केमिस्ट्री सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस एंड गेट केमिस्ट्री के लिए करंटली एंड उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि वाई यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन क्लासेस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं हम क्या प्रोवाइड करते हैं तो डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो रिकॉर्डेड प्रिसाइस फॉर्म में होते हैं जितना कंटेंट आपको इन लेक्चर्स में मिलेगा उनका उतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा लाइव क्लासेस में हमको बहुत टाइम वेस्ट होता है तो इसलिए कंसाइज लेक्चर्स विथ रिकॉर्डेड कंसाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जिनको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं लैपटॉप से फोन से सारी पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं ठीक है और चलिए आप मैटकेम का ऐप डाउनलोड करिए या फिर मैटकेम की वेबसाइट पर विजिट करिए डब्ल्यू और मैटकेएम के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग अभी आकर जुड़े हुए हैं सर सी एस नेट का एग्जाम कम होगा तो होपफुली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेप्टेंबर महीने के बाद हो सकता है सेप्टेंबर में या अक्टूबर में हो सकता है तो सप्टेंबर अक्टूबर में हो सकता है ये

और इस तरीके से फ्रॉम uh, यूपी से सौरभ कुमार जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से हम लोग इंडिया के सारे स्टेट uh, से लगभग जुड़े ही रहते हैं तो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू चलिए आप सब लोग फटाफट बाइक क्वेश्चन करना स्टार्ट है, करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ब्रांचेड एसिड कौन नहीं है इनमें से कौन सा ब्रांचेड एसिड नहीं है आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग लेक्चर्स को शेयर जरूर करेंगे तो आप सब लोग सारे लेक्चर्स को शेयर करिए मैटकेम क्लासेस के और जैसा कि अब आप एक नंबर देख रहे होंगे मेटकेम क्लासेस के चैनल पर नीचे नाइनटी

तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो ये HClO4 है तो HClO4 तो आपका H+ रिलीज करेगा आपको पता है बहुत स्ट्रांग एसिड होता है ये और अगर इसके साथ बात करें AlH2O का होल सिक्स थ्री पॉजिटिव तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं आपके एल्यूमिनियम के साथ उन एल्यूमिनियम पर हाई हाई पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रो चार्ज होने की वजह से वो ऑक्सीजन से क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी अपनी तरफ abstract, अपनी तरफ अट्रैक्ट uh, करता है और जिसकी वजह से इसके साथ लगा हुआ जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एसिडिक इन नेचर हो सकता है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है एल्यूमिनियम जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करता है और जिसकी वजह से वो इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनको

लेकिन यहां पर जो आपके पास ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ये थर्ड ऑप्शन एसिड नहीं है ये थर्ड ऑप्शन ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है ये एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस है क्या है कॉन्जुगेट बेस है किसका एच एच टू का होल सिक्स ओ एच का टू पॉजिटिव या थ्री पॉजिटिव कह सकते हैं टू पॉजिटिव ओके तो यहां पर बेसिकली क्या है तो यहां पर तो एल्यूम के साथ लगे हुए सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशियं फील करता है और एच प्लस रिलीज होता है उसी तरह से यहां पर भी जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन क्या होते हैं एसिडिक होते हैं और ये क्या करता है एच प्लस को रिलीज करता है और उसके बाद यह फिर

क्या होगा एसिड होता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीएसआईआर नेट और फटाफट शेयर करो जिन लोगों ने अभी तक लाइक like नहीं किया है सब लोग सेशन को लाइक like जरूर करेंगे ठीक है लेट इड्रेड प्लस लाइक सबने दिया आकांक्षा ने नीतू ने और पूजा ने बबिता ने बिमलेश ने और यहां पर अर्जुन जी भी आंसर दे रहे थोड़ा होपफुली आप भी आंसर यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके किसी को कोई प्रॉब्लम सब लोग कमेंट करके बताइए कि यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लोग बाद में सेशंस को देख रहे हैं तो आप हमारी बातों को स्किप कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे आप क्यों ही सुनेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको जैसा कि मैंने पिछला बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट

क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है देखिए यहां पर अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में इसमें कौन एसिड है कौन बेस है आपको सबसे पहले यह समझना है एसिड कौन है एसिड कौन होगा जो एच प्लस रिलीज कर रहा होगा रिएक्शन जिस डायरेक्शन में लिखी है हमें उस डायरेक्शन के आधार पर ही सिलेक्शन करना है अपने ऑप्शन का तो यहां पर क्या है आपका एच जो है ये एच टू ये एच क्या कर रहा है ओ एच माइनस में रिलीज हो रहा है इसका मतलब है ये एच प्लस को रिलीज कर रहा है और एच प्लस ले कौन रहा है H प्लस ले रहा है आपका पीओ फोर थ्री माइनस इसका मतलब यहां पर ये यह वाटर जो है ये वाटर क्या कर रहा है एसिड का, का काम कर रहा है वाटर क्या कर रहा है एसिड का काम कर रहा है और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है OH इस तरीके से अगर ये एसिड का काम का 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 कर रहा है तो ये क्या काम का कर रहा होगा भाई ये काम कर रहा होगा आपका बेस का जो एच प्लस एक्सेप्ट कर रहा है एक्सप्ल क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है तो एच प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है एच 2- फोर टू माइनस तो देखते हैं किसमें पीओ फोर थ्री माइनस को बेस बताया गया है तो यहां पर

एंड OH base. माइनस OH, बिल्कुल सही बात है Next step में क्या रहा है? तो ये आपका क्या है सही है अगला देखते हैं अगले में क्या कह रहा है एच पीओ फोर टू माइनस सारे ऑप्शन को हम देखेंगे और देखेंगे कि दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है एच is फोर an इज and एसिड एंड conjugate फोर इज कॉन्जुगेट बेस ओ एच माइनस इज बेस एंड एच टू इज कॉन्जुगेट एसिड तो यह स्टेटमेंट भी सही है लेकिन ये स्टेटमेंट किस रिएक्शन के लिए है ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है ये स्टेटमेंट किस इस रिएक्शन के लिए सही है ये बैकवर्ड अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती तब हमारा डी ऑप्शन सही होता और इन्होंने की जगह आपको सीधा एरो बना कर दिया इसका मतलब वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बैकवर्ड के लिए पॉइंट सही है डी वाला लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है सी है तो बताइए कॉन्जुगेट एसिड बेस

क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ के बी फॉर एन एस थ्री इन वॉटर इज दिस ट विल बी द वैल्यू ऑफ के ए फॉर इट्स कॉन्जुगेट एसिड मैं इस क्वेश्चन के लिए दो मिनट का टाइम देना चाहूंगा आप सभी को आप सभी को टाइम देना चाहूंगा और आप सब लोग भाई इसको कैलकुलेट भाई करके, बत, करके बताइए कि क्या आंसर होगा कॉन्जुगेट एसिड का के ए पूछ रहा है तो एक तरीके से हो तो केमिकल का लेकिन उसने उसमें क्या मिला दिया है एसिड बेस कॉन्सेप्ट मिला दिया है तो सब लोग भाई कमेंट करेंगे इसका आंसर में समय देंगे आपको दो मिनट का दो मिनट का समय है आपके पास और आप सब लोग इसका कमेंट का आंसर करके मुझे बताएंगे चलो सब लोग फटाफट फड़ सेशन को लाइक करो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई लाइक लाइक करिए करिए फटाफट फड़ लो, फड़ सब लोग शेयर करिए सेशन को सबके साथ ताकि हम लोग ये रैपिड क्रैश कोर्स इसी तरीके से चलाते रहें मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस होती हैं आपकी संडे को ऑफ रहता है आपका ठीक है चलिए बताइए सब लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दो मिनट का समय दूंगा मैं सबको क्या आंसर होगा सबसे पहले देख लेते हैं कि एनएसथ्री मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल वाटर में है है इसका मतलब यहां पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी और क्या कह रहा है यहां से वैल्यू ऑफ इसका मतलब है ये क्या होगा बेस का, का काम कर रहा होगा इट मीन ये एन एच टू माइनस इस तरीके से बना रहा होगा और प्लस साथ में एन एच टू केबी की वैल्यू दे रखी है अच्छा एनएस थ्री की वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पर ये यह प्लस ये इस तरीके से और साथ में यहां पर ये OH इस तरीके से बनकर आपका आएगा इससे क्या करेगा H प्लस को ले लेगा ले 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 और वाटर से कौन सी थ्योरी होती है सब लोग कमेंट करके बताइए कौन सी ऐसी थ्योरी होती है जो कहती है कि प्रोटॉन डोनर्स जो होते हैं वो एसिड होते हैं और एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो बेस का काम करते हैं ये रिएक्शन है और रिएक्शन

अब ये क्या कह रहा है कि के ए की वैल्यू बतानी है किसके कॉन्जुगेट एसिड तो इस बेस है? है कैलकुलेट करके बताओ और मैं भी साथ में यहां पर आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो यह बात होगा एन फोर इसका मतलब है हमें पता करना है कि एनएच फोर प्लस जब ओ एच माइनस के साथ जुड़ता है तो वो क्या करता है क्या क्या देता है वो देता है आपका अमोनिया अमोनिया और प्लस साथ में H प्लस को देता है साथ में क्या कहता है H प्लस लिख सकते हैं या फिर आप एच थ्रीओ प्लस भी लिख सकते हैं तो इसके लिए जो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा वही या किसका क्या होगा के ए होगा तो यहां से जो हमारा के ए आएगा वो क्या आएगा एन एच थ्री का एच प्लस का, divide, साथ में H का और डिवाइडेड यहां पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन वाटर बहुत एक्सेस मात्रा में होता है तो उसके कंसेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसलिए हम उसको यहां पर रिमूव कर देते हैं Heh. <laughs>

साथ में आएगा यहां पर क्या ये ओएच माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यहां पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा तो देखते हैं क्या-क्या कट होगा क्या यहां पर क्या-क्या देखते कट होगा यहां पर यहां पर अमोनियम कंसंट्रेशन तो से इसका कंसंट्रेशन कट जाएगा एनएच3 के कंसंट्रेशन तो से इसका कंसंट्रेशन कट आउट हो जाएगा और यहां पर क्या आएगा एच आयन का कंसंट्रेशन इनटू आयन का कंसंट्रेशन जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं के डब्ल्यू कहते हैं और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग डिफॉल्ट में लेन की पावर माइनस फोर्टीन तो यहां पर आपको के बी की वैल्यू दे रखी है KB की पावर माइनस फोर्टीन और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा बी आंसर आएगा के ए की जो वैल्यू के ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी फाइव पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस टेन तो आपको रिएक्शन निकालना आना चाहिए कौन किसका एसिड है है कौन किसका बेस और यहां से आप आप लोग लोग एक पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं साफ साफ डायरेक्टली लिख सकते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो कि कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं उनके लिए के ए इंटू के बी की वैल्यू क्या होती है के डब्ल्यू के बराबर होती है के ए इंटू के बी की वैल्यू क्या होती है के डब्ल्यू के बराबर होती है फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन वॉटर वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बात करेंगे तब तो चलिए भाई सब लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका सब लोग कमेंट करके बताइए सब लोग भाई कमेंट करके बताइए टाइम पीरियड इंक्रीज करें टाइम पीरियड बता रहा हूं मैं टाइम पीरियड हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं बताइए भाई सब लोग सब फटाफट कमेंट करके बताइए फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ और सेशन को शेयर करते रहो सेशन को शेयर करते रहिए भाई फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए और यहां पे भाई फालतू के कमेंट टमेंट ना करो पढ़ाई करनी है तो करो नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं जो करना चाहें वो कर सकते हैं ठीक है फालतू के कमेंट यहां पर नहीं करेंगे एक बार फिर से मैं बताऊं इसको पीछे कर लो वीडियो को सिंपल सी लाइव क्लास है आप थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार पीछे कर लीजिए वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा बाकी जिन लोगों ने पूरा लेक्चर ये देखा यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम ठीक है वाहिद जी आप एक बार लेक्चर को पीछे कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा एक बार आप लेक्चर को पीछे कर लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम आगे चलें आगे चलें ब्रॉन्सटेड लॉरी कॉन्सेप्ट सब लोगों ने बताया चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्स्ट -फट क्वेश्चन नमस्कार दीप जी नमस्कार चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं फोर थ्री के बाद अपना ये फाइव लिख दिया अच्छा मैंने चलिए इसका बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी तो देखिए आपके जो जेनॉन फ्लोराइड्स होते हैं

में उनके जेनॉन जो आपका सेंट्रल आइटम जेनॉन होता है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट होगा उस पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिसियंस होगी तो पर उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक इन कैरेक्टर होता है तो जेनॉन फ्लोराइड्स के केस में यहां पर जेनॉन फ्लोराइड्स के कंपाउंड के केस में जेनॉन फ्लोराइड्स के कंपाउंड के केस में ये जितना ज्यादा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट होगा सही वर्ड क्या है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उतना ही ज्यादा ये एसिडिक होगा तो आपको क्या करना होता है ऑक्सीडेशन हो के तो स्टेट चेक, चेक करनी होती है कि आपके जनऊन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके जनऊन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा लेकिन यहां पर एक एनोलॉमी होती है थोड़ी सी वही हर बार की तरीके केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है क्या कि यहां पर इन केस ऑफ एक्स एफ सिक्स एक्स एफ सिक्स क्या होता है General में से सारे फ्लोराइड्स का मोस्ट एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि यहां पे फ्लोरीन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है कि वो

दूसरे पॉइंट पर देखना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्जी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्जी क्या आ जाए सेम आ जाए सेम आ जाए अगर एक्जी एफ सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जेनोन की क्या आ जाए सेम आ जाए ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट्स को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्जी सेम आ जाए तो अगर सेम आए तो जो भी आपके पास सेम सेम वाले ऑप्शन है ना उसमें देखो फ्लोरीन किसके पास है जिसके पास ज्यादा फ्लोरीन वो ज्यादा एसिडिक जिसके पास ज्यादा फ्लोरीन तो हाइयर नंबर ऑफ फ्लोरीन 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 नंबर नंबर ऑफ ऑफ इट इट मींस मींस एसिडिटी एसिडिटी आ गई बात समझ में एसिडिटी आ गई बात समझ में आई या नहीं आई सब लोग कमेंट करके तो आई या नहीं क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है आपकी नहीं इस कंपाउंड की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो उसमें जिसके पास फ्लोरीन कनेक्टेड होगी ना वो फ्लोरीन ज्यादा

अब इसके बाद एक्सीएफ सिक्स के बाद अब आपको क्या देखना अब इसके बाद आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता है कि एक्जी जो लिखा हुआ है ये एक्जी ये इसमें प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन अगर आप एक्जी को देखेंगे इसमें भी एट ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्जी को देखेंगे इसमें भी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं वो क्या है प्लस एट है तो फ्लोरिन इस मतलब फिर दो फोरीन फिर एक भी फ्लोरिन नहीं तो ए इज योर करेक्ट आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर बताइए भाई क्या बताइए आपको ये समझ में आई या नहीं आई बताइए आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिलो दिमाग पे उतर गया आता आता है है सवाल सवाल इस पॉइंट से सवाल आता है। और अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा है तो भाई फटाक से सेशन को को लाइक करिए करिए और सब्सक्राइब चैनल वी आर जस्ट वन सब्सक्राइबर अवे फ्रॉम द लाख सब्सक्राइबर्स और एक लाख सब्सक्राइबर आने पर एक बहुत ही चेंज कर दिया जाएगा आपको ये जो मैट का है ना, इसको बिल्कुल ऐसा रिमूव इस ऐस तरीके से रीअरेंज कर देंगे हम कि इससे ज्यादा यूजफुल कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं बहुत काम कर रहे हैं हम इसमें बैकग्राउंड पे आप चिंता मत करिए इसको इस तरीके से रीअरेंज कर हैं क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अवेलेबल है लेकिन वो अच्छी तरीके से अरेंज नहीं है प्लस जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू उनको भी एक नया रूप दे दिया जाएगा तो आप लोग सेशन को शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ सब लोगों को ये बात समझ में आ गई और सब लोग इस सेशन को फटाक से लाइक करो भाई सेशन को शेयर करो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्या कह रहा है लेविस एसिडिटी तो लेविस सकता, ले सकता है वो क्या होता है एसिड होता है और जिसके पास अनसे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं तरीके से बेस का काम का कराते हैं बेस का, का काम करते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है का मतलब ये हो गया कि कौन सा कंपाउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर का भूखा है? है कौन कितना ज्यादा भूखा है कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर का भूखा है यहां पर इस भूखेपन को पता करने में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होता है वो होता है बैक बॉन्डिंग वो क्या होता है बैक बॉन्डिंग

यहां और बी एफ थ्री में आपको लगेगा कि यार ऊपर फ्लोरीन फ्लोरीन लगी हुई है और फ्लोरीन लगी हुई हुई है है और तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी रिमूव करेगी बोरॉन एटम से इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट करेगी और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशियं होगी लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम आती है क्या कि यहां पर बोरॉन एटम के पास जो ये तीन ऐसे फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं इसके पास लगा हुआ एक मतलब इसके पास एक अन क्या कहे अनऑक्यूपाइड

क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की वजह से पहली बात इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की वजह से और दूसरी बात सेम से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करने लगता है मतलब फ्लोरीन ऐसा काम करता है जो कभी आपने करते हुए देखा नहीं होगा लेकिन यहां पर करता है और इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है वापस देने की कोशिश करने लगता है जिसकी वजह से इस पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंस आनी चाहिए थी

यहीं पर अगर ये 2p 3p में आ गया तो बैक बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी और अगर यहीं पर 2p से 4p आ गया या फिर और भी उससे ज्यादा आ आ गया आ गया 5p तो वहां पर ये बैक बॉन्डिंग का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वहां पर फ्लोरीन अपने वापस रंग में आ जाती कहती अब नहीं दूंगी इलेक्ट्रॉन अब नहीं दूंगी और जितने बच्चे हैं ना आपके पास उनको भी खा जाऊंगी और यही बात यहां पर है यहां पर जो एसन है ये किस जगह पर है इसको अगर देखोगे आप कार्बन का कासी गए एस एन पी यहां पर ऐसे याद करते है ना, पार्वती, इस तरीके से हैं इसलिए इनके क्वेश्चंस में आप बैक बॉन्डिंग नहीं लगाएंगे और आप सीधा इलेक्ट्रोनिगेटिव कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा एस एन एफ फोर फोर बी आर फोर एन एस एन आई फोर बताइए ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई चुपके चुपके बॉन्डिंग होती है यही है बैक बॉन्डिंग ज्यादा कमी लेविस नेचर बिल्कुल सही बात है दीप ने बिल्कुल बढ़िया तरीके शब्दों में इस बात को एक्सप्लेन किया है साइज लगभग सेम हो जाएगा बिल्कुल सही बात बताई है यहां पर चलिए यह बात भी सबको समझ में आई या नहीं आई ये बात किस किस को समझ में आ गई सब लोग कमेंट करके बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको आप ध्यान से देखिए और समझिए बस और सेशन को शेयर करो फटाफट सेशन को शेयर करो लाइक करो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो किन किन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करके सब्सक्राइब करिए कि हाँ मैंने सब्सक्राइब कर दिया है ये पॉइंट भी आप सभी को समझ में आ गया या नहीं आ गया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सोवन को आ गया फिरास को आ गया बबीता को आ गया और बाकी सब लोग भी कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई आ गया सबको समझ में आ गया कमेंट करते रहिए आप सब लोग फटाफट ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर इनमें से कौन सा एक बढ़िया खतरनाक एसिड है सबसे खतरनाक एसिड इनमें से कौन है मोस्ट एसिडिक इन नेचर तो अगर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर अगर आपसे रैंडमली पूछ लिया जाए आपको कुछ नहीं पता है आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि एसिडिक नेचर बताओ तो इसका मतलब है कि आपका एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि एसिडिक नेचर होता क्या है एसिडिक नेचर का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव नेचर कितना है उसके अंदर पॉजिटिव नेचर कितना है पॉजिटिव नेचर से मतलब है कि उसके अंदर कितनी भूख है कितनी भूख है किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर की किसी भी एनायन की किसी भी एनायन की कितनी भूख है किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर की कितनी भूख है कितना भूखा है वो आपका एटम या फिर मॉलिक्यूल ये आपको चेक करना है एसडी के चर का नेचर का मतलब होता है सीधा सीधा भूख से और केमिस्ट्री में भूख का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होता है एनायन से होता है आई बात समझ में आपको ऑक्साइड हो एन आय या फिर ओ एच माइनस हो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो इससे हमें मतलब नहीं होता है एसिडिकचर का मतलब हो गया कि कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितना वो भूखा है तो इससे रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आएगा कि चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कि किसी मॉलिक्यूल में वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने ऑक्सीडेशन नंबर में वो अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही चेक करना है ऑक्सीडेशन नंबर ही चेक करना है ठीक है फर्स्ट चेक दिस अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाती है अगर ये क्या आ जाए सेम आ जाए देखो जिसकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर वो उतना भूखा और वो उतना ज्यादा एसिडिक लेकिन अगर सेम आ जाए तो सेम आने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो एटम कितना हो सकता है वो एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा हो सकता है वो वो एटम जिन जो साइड लगे हुए हैं साइड एटम्स में कोई एक क्या पता फ्लोरीन बैठी हो जैसा हम लोगों ने अभी जेनॉन फ्लोर के कंपाउंड्स में देखा उसमें क्या देखा हमने कि एट ऑक्सीडेशन स्टेट तो थी लेकिन एट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब फ्लोरीन आई जब एट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब फ्लोरीन आई तो फ्लोरीन ने फ्लोरीन वो एक नंबर नहीं बढ़ा रही है वो तो सब खा तो देखने के लिए है जेना के पास लेकिन सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन खुद लेकर बैठा होता है तो इस तरीके से आपको ये देखना होगा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आती है तो उसके बाद या तो वो एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा सेंटर वाला या तो फिर जो साइड एटम्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव में है बात समझ में तो यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है यहां पर अगर अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर, पर, पर अगर, अगर स्टेट दिखेगी और ए जी टू ओ की बात करेंगे तो यहां पर आपको प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी ठीक है यह निकालना आपको आता होगा ऑक्सीजन को ओ माइनस करो तो टू एक्स प्लस ये निकालने के लिए भी मैं, अगर मैं आपको देता हूं अगर आप बहुत भोले हैं तो देखिए आपके भोलेपन का इलाज टू x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है इट मींस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आया आपका प्लस टू और x की वैल्यू यहां पर क्या आई यहां से x की वैल्यू कितनी आई प्लस वन आ गई ठीक है किसी भी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बोलता हूं यहां पर बी टू ओ फाइव में ऐसे ही आप निकालेंगे प्लस फाइव आएगी तो आपके सामने क्या है दो केस आ गए प्लस, फाइफ, प्लस फाइफ, अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर जो आपका नाइट्रोजन है ना यहां पर एटम, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है एस कंपेयर टू वेनेडियम इट मींस अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो यहां पर ये ज्यादा एसिडिक इन नेचर भी होगा ज्यादा एसिडिक इन नेचर भी होगा जो करेक्ट आंसर इज डी चलिए देखते हैं किन लोगों ने इसका आंसर कमेंट करके बताया था बिल्कुल होगा मोहम्मद आतिफ अभी नहीं बताएंगे आप सबसे पहले एक लाख सब्सक्राइब करिए सबसे पहले बात आपका यूट्यूब इतनी बेहतरीन तरीके से अरेंज कर दिया जाएगा कि आप इतना फ्री कंटेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा इतने फ्री क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन मैडकेम ने इतने कराए हैं आपके लिए सब एक जगह आ जाएंगे आपके पास ठीक है और सेकेंड जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको एक नया नया चेहरा दिया जाएगा जो आपके पास कंटेंट आता है उसको एक नया चेहरा दिया जाएगा सो ऑल यू हैव टू डू जस्ट डाउन जस्ट

कंफ्यूज था बी डी में दीप कोई बात नहीं अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेना दीप ठीक है बाकी सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के साथ नेट और गेट की बात करें तो नेट में तो वही है, होते हैं, न, वो बहुत कम सही कर पाते हैं। लेकिन सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको अच्छी रैंक देते सेक्शन बी में आपने पैतीस में से कितने क्वेश्चन किए हैं ठीक है वहां पर आपको ये टॉपिक्स हेल्प करते हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री एसिड बेस केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको होते हैं, हैं। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडिया बाय कमेंट कर दो फटाक से सब लोग जिन लोगों ने भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिन लोगों ने भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आप सब लोग फटाक से कमेंट कर दो और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैड के ऐप में फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं आपको क्वांटम केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटालिक्स रिएक्शन मैकेनिज्म जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मेडकेम के ऐप में फ्रीली अवेलेबल हुए तो आप मेडकेम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको हर रैपिड रिविजन क्लास का या फिर जितनी भी YouTube पर क्लासेस होती हैं उनकी क्लास नोट्स की पीडीएफ प्लस कुछ एक्स्ट्रा फ्री असाइनमेंट्स आपको असाइनमेंट के टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं तो मैट केम का टेलीग्राम चैनल जो फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ में ऐप का भी दिया हुआ है तो आप सब लोग ऐप भी जरूर ज्वाइन करिए और आप सब लोग टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करिए तो इससे आपको और फ्री कंटेंट मिलता रहेगा ठीक है तो ये बात भी सबको समझ में आ गई देखते हैं कौन इसमें आंसर देख करेगा सही आंसर आ रहे हैं संजय ए कर रहे हैं आशुतोष ए कर रहे हैं बबीता ए कर रही हैं यहाँ पर अमरनाथ कुमार जी बी कर रहे हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर ए और बी के बीच में चल रहा है बहुत घमासान सोनी एक रुपये लगता है वो एक रुपये भी नहीं लगेगा वो एक रुपये भी नहीं लगेगा सोनी वो एक रुपये भी नहीं लगेगा सारी की सारी वीडियोस फ्री अवेलेबल होती हैं वो तो बस कोर्स की फ़ीस हम लोग मिनिमम एक रुपये कर सकते हैं क्योंकि जो ऐप की हमारी कंपनी है वो कहती है अगर आप पैसे नहीं लोगे तो आप कैसे काम करोगे लेकिन जोक्स से पार्ट तो वो एक रुपये बस हम कम से कम फीस कर सकते हैं इस वजह करी गई है बाकी आप उसको नहीं भी पे करेंगे तब भी आपको सारी वीडियोस वहाँ पर क्या हैं अनलॉक्ड हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं बिना किसी चिंता के भी नहीं होगा लक्ष्मी साहू कह रही हैं कोई आंसर अभी तक सही नहीं आया इसका मुझे दुख है देखिए ये है ये कॉन्सेप्ट आप सब लोग ध्यान से सुनो ये कॉन्सेप्ट है एक बहुत बड़ी पुरानी कहानी के बारे में एक बार क्या हुआ हमारा एक एसिड था उस एसिड को हम ले गए और एसिड को हमने डाल दिया एक सॉल्वेंट में तो एसिड को जब सॉल्वेंट में डाला जा रहा था तो उस एसिड ने कहा कि मुझे किस सॉल्वेंट में डाल रहे हो यह बताओ जो रिसर्च कर रहे होंगे उन्होंने कहा उस एसिड ने उन्होंने रिसर्च साइंटिस्ट से बोला कि आप मुझे किस सॉल्वेंट में डाल रहे हो आप मुझे यह बताओ अगर आप मुझे जिस सॉल्वेंट में डालोगे पहले यह बताओगे नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कैसा एसिड हूं तो उन्होंने कहा यह कैसी बात हो गई तो ये बात हो गई तो फिर एसिड ने बताया अपने बारे में एक राज एसिड बोला कि मैं एक्चुअली सॉल्वेंट के आधार पर अपना एसिडिक नेचर शो करता हूं मेरे पास जैसा सॉल्वेंट आप लाओगे उसके आधार पर मैं आपको एसिडिक सॉल्वेंट लेकर उस तरीके से मैं एसिडिक सॉल्वेंट उस तरीके से मैं अपनी एसिडिटी शो करूंगा तो जो भी रिसर्च कर रहे थे तो जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि मतलब क्या कहना चाहते हैं आप इस बात को सही तरीके से समझाइए तो एसिड बोला कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है और आप क्या कहना चाहते हो कि मैं मेरे तीन भाई मतलब आपस में हम देखो ऐसे तो हम तीनों लोग भाई भाई हैं एक बिल्कुल सेम तरीके अच्छी तरीके से रहते हैं हम सब एसिड हैं एसिड कम्युनिटी के हैं और हम ज्यादा आपस में भेदभाव नहीं करते हैं कब तक हम तब तक भेदभाव नहीं करते हैं जब तक हम किसी और से बड़े लगते हैं जब हम किसी और से अच्छे लगते हैं जब हम किसी और से जिस सॉल्वेंट में आप मुझे तो मैं नहीं दिखाऊंगा हम हम क्योंकि हमें उससे कुछ कंपेयर नहीं करना है यही है कुछ इसी तरीके से काम करती है आपकी सॉल्वेंट थ्योरी सॉल्वेंट थ्योरी क्या कहती है कि आप जिस सॉल्वेंट में अपने एसिड्स को डाल रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा सारी बात को आप जिस सॉल्वेंट में अपने एसिड को डाल रहे हैं अगर वो सॉल्वेंट अगर वो सॉल्वेंट से ज्यादा एसिडिक है आपके सारे के सारे सोलवेंट जितने सारे के सारे एसिड्स जैसे मान लो आप ए बी सी ध्यान से सुनो ये ए बी सी ये तीन एसिड थे और इनको डाला जा रहा था इस डी सॉल्वेंट में जो कि आपका वाटर है ठीक है तो ये कहने लगे कि अगर देखो यार ये क्या तुच्छ आपका तुच्छ प्राणी है वाटर ये क्या एसिड है, है? पर्जी एसिड है तो वह बोले कि इससे हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आप अगर ये हम सबसे कम एसिडिक है तो हम तीनों के तीनों इन वाटर इस सॉल्वेंट में हम तीनों के तीनों इक्वल एसिडिटी शो करेंगे ये क्या बात हो गई ये तो गजब बात हो गई तो उन्होंने तो उन्होंने बोला अगर यहां पर अगर आप सॉल्वेंट ऐसा यूज करें यहां पर अगर आप ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जो हमसे बहुत ज्यादा हम उससे बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो मतलब वो हम वो एसिड तो हो कम से कम एटलीस्ट वो एसिड तो हो ऐसा ना हो कि वो न्यूट्रल है हम सबके सब उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड्स हैं तो ऐसे सॉल्वेंट्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स की स्ट्रेंथ को इक्वल कर देते हैं अप, अपने आप में मिलाने पर ऐसे सॉल्वेंट्स को लेवलिंग सॉल्वेंट्स बोला जाता है क्या बोला जाता है लेवलिंग सॉल्वेंट एंड इन वाटर वाटर में वाटर में ये तीनों के तीनों सॉलिड्स क्या करेंगे इक्वल एसिडिटी शो करेंगे क्या करेंगे इक्वल एसिडिटी शो करेंगे आई बात समझ में ये तीनों के तीनों क्या करेंगे इक्वल एसिडिटी शो करेंगे यहां पर आ रही बात समझ में आपको या नहीं आ रही क्योंकि यहां पर आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है या ऑटो आयनाइज जब होता है तो ये क्या करता है H3O+ प्लस बनाता है H3O+ OH- प्लस प्लस माइनस कुछ इस तरीके से ये ऑटो आयनाइज होता है और यहां पर जो आपका एसिड होगा इनमें से कोई भी एसिड जैसे अगर हम मान लें HClO4 HClO4 तो जब आप HClO4 सॉल्वेंट में डालेंगे ना तो HClO4 क्या करेगा सीधा H+ रिलीज कर देगा एच प्लस रिलीज कर देगा तो ये भी एच प्लस रिलीज कर रहा है और यहां पर पहले से है, तो यहां पर ये क्या करेगा ना ये सबको इक्वलाइज कर देगा क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का इक्विब्रियम क्रिएट नहीं होगा ये सबके एच प्लस ले लेके थ्री ओ बना देगा सबके एच प्लस ले लेके स्त्रीओ प्लस बना देगा और ये हर जितने भी एसिड्स आपके पास होंगे वो सारे के सारे एसिड्स क्या करेंगे इक्वल हो जाएंगे सबकी स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी लेकिन अगर आप यहीं पर कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करते जैसे आपका सी एस थ्री सी ओ एच तो सी एस थ्री सी ओ एच अगर ऑटो आईनाइज होता अगर आपका सी एस थ्री सी ओ ओ एच ऑटो आईनाइज होता तो ये क्या करता ये बनाता सी एच थ्री सी ओ ओ एच टू प्लस और ये जो एसिड है ना ये जो एसिड है

तो अगर आपका कोई भी ऐसा एसिड कोई भी ऐसा एसिड जो एस्त्रो प्लस से ज्यादा एसिडिक हो कोई भी ऐसा एसिड जो एस्त्रीओ प्लस से या फिर एच प्लस से स्त्रीओ प्लस से ज्यादा एसिडिक होगा और अगर ऐसे एसिड्स को अगर आप वाटर में डालेंगे तो वो सब के सब इक्वल हो जाएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे उनकी एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी इसलिए यहां पर ये क्या होगा ये लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएगा वाटर इनके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट कराएगा और इन्हीं एसिड्स के लिए सीओ क्या करेगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम करेगा आई आपको ये बात समझ में या नहीं इसका एक सिंपल सा फंडा बताऊं आपको देखो पता है ये क्या एच सी एल ओ फोर ज्यादा एसिडिक होता है उसके बाद आपने देखा पता है आपको एच 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 टू एस ओ फोर ज्यादा एसिडिक होता है एच एन ओ थ्री होता है उसके बाद आपका ठीक है इसके बाद आपका ये वाटर होता है वाटर के बाद आप लिख लीजिए मान लीजिए अमोनिया होता है ठीक है और अमोनिया की जगह यहाँ पर ही यह अमोनिया होता है और अमोनिया की जगह अब आप कोई दूसरा एसिड यूज कर लीजिए जो भी बेस आप कोई भी एक दूसरा बेस यूज कर लीजिए मान लीजिए अपने कोई भी यार बेस चलो देख लेना इन चारों को देख लो चलो अगर इन चारों की बात करें इन चारों की बात करें तो आप अगर यहां पर अगर आप यहां पर वाटर को सॉल्वेंट का सॉल्वेंट लेंगे के होंगे, ले, पर अगर आप, ए, CS3, तो होता है बीच में सी एस थ्री सीओ भी लिख लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं यहां पर अब लिखते हैं वाटर और अब लिखते हैं अमोनिया तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक, एक एसिड का नेचर पता करना हो ये तो बात समझ में आ गई कि आपका जो वाटर की जगह अगर आपने ये सॉल्वेंट यूज किया तो वो डिफ्रेंसिएटिंग का, का काम करेगा अगर आपने वाटर यूज किया तो ये चारों के चारों ये चारों के चारों क्या होंगे सेम सेम का का काम काम करेंगे करेंगे ध्यान चारों चारों के चारों का 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 ये बात आपको समझ में आ गई ये सिंपल सी बात है आपको वाटर और चेस्त्री सी देखना होगा हमेशा एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एक सॉल्वेंट में एक सोल्व इनमें से किसी एक को एज सॉल्वेंट यूज करो और दूसरे का नेचर पता करो आपसे मैं अगर ये पूछूं कि HClO4 का नेचर बताइए HClO4 का नेचर बताइए इन इन HNO3 इन HNO3 तो HNO3 के केस के में HNO3 के केस के में ये वीक एसिड का काम करेगा क्योंकि ये पहले से एसिडिक है तो जहां आप खड़े हो कंपेयर करोगे अगर आप यहां खड़े हो कंपेयर करोगे तो ये वीक एसिड अगर आप एसिडिक एसिड में डाल के कंपेयर करोगे तो यह स्ट्रांग एसिड यह वीक एसिड और अगर आपने H2SO4 का नेचर चेक करने की कोशिश कर ली गलती से इसका नेचर चेक करने की कोशिश कर ली गलती से इससे स्ट्रॉन्ग एसिड इससे स्ट्रॉन्ग एसिड में इन HClO4, इन HClO4, तो आपको पता है ये बात आपको पता है ये बात H2SO4 बेस का काम करने लगेगा HClO4 में तो जहां आप खड़े हो अगर आप वहां से ऊपर वालों को चेक करोगे उससे कंपेयर करोगे मतलब जहां आप खड़े हो उसे सॉल्वेंट ले लो और ऊपर वालों को देखो तो जो जो बहुत दूर होगा वो स्ट्रांग होगा नहीं तो बाकी सब पास वाले वीक एसिड का काम करेंगे और अगर आप जहां खड़े हो जहां खड़े हो उससे ऊपर वाले को अगर आपने सॉल्वेंट ले लिया तो वो बेस का काम करने लगेगा ये बात सबको समझ में आई या नहीं इस बात को आप ध्यान से सुनना इस बात को आप ध्यान से सुनना वीडियो को पॉज करके एक बार जो मैंने बातें आपको बोली उसको एक बार क्लियरली सुनना आपको ये बात समझ में आ जाएगी आ गई बात समझ में आप सभी को आ गई बात समझ में आप सभी को या नहीं आ गई कमेंट करके बताइए कि क्या आपको यह बात समझ में आई सब लोग कमेंट करके बताओ भाई सेशन को लाइक करो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है जिन लोगों ने अभी तक सेशन को को लाइक लाइक नहीं किया है करिए करिए भाई इस से सब्सक्राइब चैनल बात आपको समझ में आ गई जिसको नहीं समझ में आई है वो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देखेगा ये लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट का क्वेश्चन था कमेंट करो भाई फटाफट कमेंट करो सब लोग सब लोग फटाफट कमेंट करो ठीक है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी नीतू सिन्हा को और सकीना जी को ये बात समझ में आ गई चलिए बाकी लोगों को भी उम्मीद है समझ में आ गई होगी नहीं आई होगी तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा एक बार फिर से मतलब फिर से तो क्या क्लियर कराऊंगा आप एक बार पीछे कर लेना वीडियो को ठीक है चलो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया सुजय रंजन मेहता जी बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच और आप सब लोग भाई सेशन को शेयर करो सेशन जो लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है गलत बात है सेशन शेयर करो लाइक करो सब लोग सब लोग सेशन को लाइक करिए भाई 150 प्लस लाइक्स पहुंचाइए जितने दोस्त हैं मित्र हैं सबके साथ वीडियो को शेयर करिए बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है मतलब समझते हैं पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ओवरऑल अगर मैं इन जनरल आपसे बात कर दू ना बेसिक स्ट्रेंथ का तो एसिडिक स्ट्रेंथ का इन जनरल हमने मतलब क्या होता है कि भूख और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि किसके पास कितनी अधिकतम है किसके पास कितनी ज्यादा कौन कितना रिच है रिच इन विच सेंस इलेक्ट्रॉन के सेंस में कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है या तो वो एनायन की तरीके रिच हो या तो वो कोई एनायन रिलीज करे अपने अंदर से या तो वो कोई एक एनायन रिलीज करे या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज करे या तो एनायन रिलीज करे, तो करे या तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज करे ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ वाले कंपाउंड उनको बेसिसिटी मतलब उसका इस चीज का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ से तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब वो आपको बता कि देना इलेक्ट्रॉन देना निगेटिव आयंस देना ये बात होती है आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है तो यहां पर आपके पास ये जो ऑप्शन दिए हुए यहां पर ऑप्शन में आपसे कह क्या रहा है यहां पर ये आपके पास नाइट्रोजन से रिलेटेड बात चल रही है यहां पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और आपको भी पता है कि यहां पर इसके पास एक लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर किसी को देगा ये और किसको देगा अधिकतर बात में हम लोग बात करते हैं किसको देगा यहाँ एच प्लस घूमता रहता है इसके एच प्लस ये एच प्लस को हमेशा देने की कोशिश करता है एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुल मिलाकर ये इसको इलेक्ट्रॉन अपने पेयर देगा और इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कैटायन बना लेगा क्या करेगा कैटायन बना लेगा तो कौन कौन से नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन है ऐसा अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह इस हाइड्रोजन की जगह मैं सी एच थ्री लगा दूं तो आप ये कहोगे कि सर जी सी एच थ्री जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम करता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है और ये इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन रिच फील करने लगेगा और कहेगा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं ना इनको डोनेट कर दो हाइड्रोजन को ऐसे कहेगा ये तो ये डोनेट कर दिए जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ अमोनिया से ज्यादा बेसिडिक बेसिक हो गया आपका एन ये जिसमें सीएस थ्री एनएस है जो आपका सी एस थ्री एन एच टू है वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक हो गया आ रही बात समझ में आप सभी को नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां पर आप इस सीए को भी हटाकर लगा दो यहां पर तो आप कहोगे सर जी अब तो और भी मजा आ गया अब यहां पर ये इसको भी और इलेक्ट्रॉन देगा दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको और दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या होगा क्या होगा ये कहेगा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना इनको फेंक दो <laughs> फेंक दो मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर और आसानी से डोनेट कर दो तो आप ये कहोगे सर ये तो मतलब मजा आ गया दो सीएस्त्री वाले और बेसिक हो गए अब मैं आपसे कहूं कि ऐसा करो जो बचा कुचा घर है इतना पैसा आ रहा है और हम इतना डोनेशन कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं एक और नया इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको भी लगा दो गलती यही होती है जब तीसरा सीएस लगता है तो ये नाइट्रोजन सोचता है कि तीसरे सीएस को जब मैं लगाऊंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर तो मैं निकाल के फेंक ही दूंगा उस समय मैं बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता हूं किसी भी कैटाइनिक पार्ट को तो मैं और भी बेसिक हो जाऊंगा लेकिन यहां पर इसके साथ गड़बड़ घोटाला हो जाता है

लोन पेयर है ना ये लोन पेयर उस भीड़ में फंसे हुए इंसान की तरीके हो जाएगा जैसे राजीव चौक की मेट्रो स्टेशन में कोरोना आने से पहले जो भीड़ हुआ करती थी उस तरीके से यहां पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि फिर ये लोग अब नहीं समझ पाएंगे अब ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा और यही गलती हो जाएगी तो होगा क्या कि ये वाला जो आपका कंपाउंड है ncs3 का होल थ्राइस n वाला ये इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी और किन किन से कम हो जाएगी अमोनिया से तो ज्यादा रहेगी है।, है तो प्लस आई इफेक्ट तो लग रहा है भले वो कहीं भीड़ से निकल के दे देगा लेकिन अमोनिया से तो ज्यादा ही देगा तो अमोनिया सबसे कम होगी अमोनिया सबसे कम होगी अमोनिया सबसे कम होगी और उसके बाद आएगा ये सी एस थ्री का होल थ्राइस एन सबसे पहले आएगा सी एस थ्री का होल ट्राइस ये और ये तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर बताइए भाई ये बात आप सभी को सेशन को समझ में आई या नहीं आई ये बात आप सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई बताओ ये पॉइंट किस किस को बिल्कुल क्लियर हो गया ए आंसर बहुत लोगों ने पहले से ही बता दिया है सेशन को लाइक करिए भाई सब लोग शेयर करिए दोस्तों के साथ अपने और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ठीक है थीके? पवन सर भी आप सभी के साथ जुड़कर कमेंट कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्राइब और शेयर की जो कीमत है वो समझिए आपका कुछ नहीं खर्चा हो रहा है आप लोग ये कर दीजिए ठीक है बताइए भाई बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई सब लोग कमेंट करके बताओ और जिन लोगों ने अभी तक नहीं कमेंट किया है वो लोग भाई कर दो कर दो कमेंट कर दो और लाइक कर दो सेशन को शेयर कर दो ए आंसर किस किस को समझ में आ गया बहुत लोगों ने पहले भी ये आंसर दे दिया था पूजा ने मंगल ने नीतू ने आकांक्षा ने बहुत लोगों ने पहले भी आंसर दे दिया था और जिन लोगों ने बी आंसर दिया था नेट का फॉर्म कब तक फिल होंगे एक महीने फिल होंगे जब भी आएगा तो एक महीने फिल होंगे जब भी नेट का फॉर्म आएगा ना एटलीस्ट दो से तीन महीने का टाइम होगा चिंता मत करो जब भी नेट का फॉर्म आएगा दो से तीन महीने का समय आपको मिलेगा चिंता मत करिए आप सब लोग सेशन को शेयर करिए बस और कुछ मत करिए सब्सक्राइब तो कर ही दो कम से कम शेयर करना तो मान लो बड़ा ही कष्टदायी काम लगता है आप सभी को चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर और, और अगले सवाल से सीखते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक और कॉन्सेप्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है पढ़ लेता हूं मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो फेवरेबल नहीं है किसी को कोई आइडिया लग रहा है किसी को कोई आइडिया लग रहा है कॉन्सेप्ट कमेंट कर दो आंसर तो आप निकाल ही लोगे कॉन्सेप्ट कमेंट कर दो कि क्या कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा होगा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कमेंट करके बता दो कमेंट करके बता दो भाई कमेंट करके सब लोग फटाफट बता दो कि क्या 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 कॉन्सेप्ट लग रहा होगा क्या होगा जवाब बताइए भाई सब लोग आंसर करके कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका जवाब वॉट विल बी दिस क्वेश्चन कमेंट करके बताओ सब लोग कमेंट करके बताओ भाई सब लोग कमेंट करके बताओ वॉट विल बी द आंसर वॉट विल बी द आंसर वॉट विल बी द आंसर विल बी द आंसर सॉफ्ट आंसर आया है एक आंसर आया है सॉफ्ट सा एक दीक्षा जी है उन्होंने बोला है सॉफ्ट आंसर आया है तो सॉफ्ट आंसर है कि हार्ड आंसर है ब्राउन्सेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया गया है एक चीजें अंकिता जी ने और दीक्षा जी ने सही बताया दीक्षा बिल्कुल सही बात है आधा वो आधा रिप्लाई आपका कमेंट हो गया होगा मैं समझ गया मजाक कर रहा था बस एसिड बेस कौन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात है सैलेश ने बताया रोशनी ने बताया और जिन लोगों ने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस बता दिया है वो लोग आंसर बता देंगे सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल एच एस ए बी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल क्या होता है कैसे ये आया ये इसका जन्म कैसे हुआ कैसे इस कॉन्सेप्ट को सीखा गया कैसे ये कॉन्सेप्ट बना एक्चुअली एसिड बेस कॉन्सेप्ट जितने भी हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री बोलता हूँ केमिस्ट्री में जितने भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं आखिरकार ये कैसे आए हमारे सामने किस तरीके से क्या प्रोसेस थी किस तरीके से हमने इतने सारे नियम हमारे पास क्यों हैं इतने सारे जो इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन है उसके अकॉर्डिंग एसिड कौन है ये सब सुनते रहते हो ना सॉल्वेंट थ्योरी कहीं कहते हो कि ब्रॉन्चेड थ्योरी इतनी सारी थ्योरीज हैं तो अगर कोई एक थ्योरी है तो वो बताओ और अगर ये अलग अलग थ्योरी है तो क्या हमें पता करना पड़ता है क्या एसिड से पूछना पड़ता है क्या कि अच्छा तुम एसिड हो कि बेस तो पूछेगा ये बताओ पहले कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो तो ऐसा तो ऐसा नहीं होता होगा ये 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 तो तो ये तो बिल्कुल ये तो फर्जी बात लगती होगी कि यार थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड का पता करना का मतलब क्या होता है तो इस रहस्य से अगर आप पर्दा उठाना चाहते हो तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ प्ले ही दिखा देता हूँ सीधा आप सब लोगों को प्ले लिस्ट पर जरूर देखनी है ठीक है आप लोगों को यूट्यूब पर प्ले जरूर देखनी है और वो प्ले आपको देखनी है जाकर मैट केम की प्ले सेक्शन में जाकर देखनी है एसिड बेस कॉन्सेप्ट ठीक है हो सकता है होम पेज पर भी अवेलेबल होगी मैट केम के मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको समझना आपको ये जब तक समझोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो ये देखिए ये तीन लेक्चर्स हैं पहला है एसिड बेस का सारा का सारा एक घंटे का ये लेक्चर और ये एक घंटे का लेक्चर आपको इतनी खुशी देगा इतने सारे कॉन्सेप्ट देगा कि आप बिल्कुल खुशी के मारे पागल हो जाओगे तो ये तीनों लेक्चर आप लोग सेव कर लेना और जब मन करे इसको देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ड सॉफ्ट एसिडेट प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली मतलब यहां तक हम कैसे पहुंचते हैं

का है कोवेलेंट बॉन्ड्स पता करने का और कहीं पर आपको हार्ड हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो उन केसेस में अधिकतर क्या होता है आयनिक बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर बस यही क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ये यही था क्या कि यहां पर आपके पास ये जो एफ माइनस रिलीज हुआ है तो एस ओ थ्री माइनस जो एस ओ थ्री माइनस है ये एस ओ थ्री माइनस एच प्लस ये एस ओ थ्री माइनस एच प्लस के साथ ज्यादा स्टेबल होता है एच प्लस के साथ ये क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है हार्ड एसिड तो हार्ड बेस होना चाहिए सॉफ्ट बेस नहीं होना चाहिए तो ये हार्ड हार्ड का कंपैरिजन है ये रिएक्शन सही है सेकंड वाले केस में ये देखिए यहां पर ये वाला जो सेगमेंट है आपका ये सेगमेंट ये सेगमेंट क्या है कैटाइनिक पार्ट ये हार्ड एसिड और यहां पर यह हार्ड बेस तो हार्ड एसिड हार्ड बेस जुड़ेंगे ये सॉफ्ट बेस यहां पर नहीं होगा कोई ये इस ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हार्ड एसिड बेस कॉम्प्लेक्स जब बना होगा हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में मिले होंगे या फिर कहीं पर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस मिले होंगे तो वो तो स्टेबल होंगे लेकिन कहीं पर एक कैटायन हार्ड है और एनायन सॉफ्ट है तो वहां पर कैटायन और एनायन को डिस्प्लेस किया जा सकता है सॉफ्ट वाले से या फिर हार्ड वाले से मतलब समझ में आ रहा है हार्ड एसिड के साथ अगर सॉफ्ट बेस लगा होगा तो सॉफ्ट बेस को हार्ड बेस से रिप्लेस किया जा सकता है यही क्वेश्चन है ये और कोई क्वेश्चन नहीं है थर्ड वाले में देखेंगे यहां पर ये यह कैटाइन जो है ना Hg2+ ये सॉफ्ट एसिड होता है तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही रहेगा तो सॉफ्ट एसिड के साथ ये जो हार्ड बेस लगा हुआ है ना ये हार्ड बेस इज कैन इजीली बी रिप्लेस्ड बाय द सॉफ्ट बेस तो ये रिएक्शन सही है यहां पर आपके पास ये जो हार्ड uh, बेस है ये हार्ड बेस इस हार्ड एसिड से इस हार्ड एसिड के सॉफ्ट बेस को आसानी से रिमूव कर सकता है बस यही कॉन्सेप्ट है और इस रिएक्शन का उल्टा लिखा हुआ है ये तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगी ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो यहां पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है डी सही आंसर है ना कि सी ये जो लग गया है टिक ऐसे इसको समझ लीजिए ये आंसर सही नहीं है आधी बात समझ में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका ये इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है डी आंसर सही है कमेंट कमेंट करके करके बता दिया दिया एक तरफ से सबने कमेंट करके बता बहुत ही अच्छी बात है लक्ष्मी सकीना संजय दीक्षा रेशमा और बाकी सब लोग सबके कमेंट में अभी पढ़ नहीं पा रहा हूं ठीक है मतलब नाम लेना थोड़ा वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर गला भारी हो जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल आपके सामने क्या लेकर आया है अगला सवाल एक अलग क्वेश्चन लेकर आया है आपके लिए व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस आपको बेसिस की स्ट्रेंथ पता करनी है इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता आप देखो ये एनआईएन है एनआईएन देखकर हमें बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं कि एनआईएन को एज अ बेस चेक करना कभी भी किसी भी एनआईएन को एनआईएन को अगर आप किसी भी एनआईन की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो बेसिक स्ट्रेंथ चेक चेक करनी हो, तो आप उसको बेसिक स्ट्रेंथ करो क्योंकि को आप कॉन्जुगेट एसिड बनाया करो क्या करा करो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया करो और इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाने के बाद ध्यान से सुनना इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना और अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड ये अगर इसका जैसा नेचर होगा इसका उल्टा नेचर इसके एनायन का होगा अगर ये ज्यादा इसका कॉन्ज़ुगेट एसिड क्या है अगर ये हाईली एसिडिक है ये ज्यादा ज्यादा एसिडिक है तो ये बेस एनायन एनायन फॉर्म में ही रहता होगा और अगर एनायन एनायन फॉर्म में ही रहता होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेड किसी को देता नहीं होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी आ रही बात समझ में अगर इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है अगर वो वीक एसिड होगा वो क्या होगा मोर को स्ट्रॉन्ग सकते हो वीक एसिड होगा इसका मतलब ये हुआ वीक एसिडिक है इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड है इसका मतलब ये, 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 ये बेस नहीं बनाता ज्यादा ये खुद ज्यादा बना रहता है इसका मतलब है है कि ये ज़्यादा बेसिक इन नेचर में होगा तो बस यही चेक करना है सबके कॉन्जुकेट एसिड बना लेते हैं H2O से बना, OH से बना, आपका ये बना, ध्यान रखिएगा वो बेस है तो ये सबके सब, सब एसिड होंगे OH, बना, बना थर्ड केस में क्या बना सी एस थ्री सी एस थ्री ये सब के सब एसिड है एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कंपेयर कर लो इन सब की क्या कर लो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक वही बात है है कैसे चेक करेंगे H H को को निकालना है। H को निकालने का मतलब क्या हो गया क्या मतलब हो गया H प्लस को निकालने का आप चाहो तो यहां पर एनआईन की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते थे लेकिन यहां पर इनको देखकर हमें ज्यादा आसानी से पता चल रहा है क्या इनमें से जो सबसे गया गुजरा एसिड है ना इन सब में से सबसे सबसे गया गुजरा एसिड है वो ये है देखो ये है ये सबसे गया गुजरा एसिड है सबसे गया गुजरा एसिड है इसका मतलब हो गया कि इसका जो बेस होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा इसका जो बेस होगा ना वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि ये एसिड बहुत वीक है अगर ये बहुत वीक है तो इसका बेस इसके ऊपर ही आएगा हमेशा यही बना रहा होगा फटाफट इसका बेस तुरंत ले रहा होगा तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक देखो ए ऑप्शन दे रखा है ए आपका सही आंसर हो गया समझ में अब लेकिन हम सबको सीक्वेंस चेक कर लेते हैं सीक्वेंस चेक कर, चेक क्या करते हैं इसके बाद हम सबसे ज्यादा एसिडी का अगर बात करें सबसे ज्यादा देखो यहां पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ साइड कौन सा है तो यहां पर नाइट्रोजन है यहां पर ऑक्सीजन है यहां पर SP3 थ्री एस SP पी कार्बन है तो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन क्या होगा सबसे हाइड्रोजन तो सेट तो से मतलब सब मतलब बेस जो होगा वो सबसे वीक बेस होगा देखो यहां पर ओ एच माइनस सबसे लास्ट में है, है कि नहीं अब इसके बाद इन दोनों की अगर बात करें तो यहां पर बेसिक इन नेचर भी होता है इस वजह से यहां पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रो uh, निगेटिव तो है लेकिन इसके पास लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर एस कार्बन पर निगेटिव चार्ज क्या है ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए सेकेंड नंबर पर ये और थर्ड नंबर पर ये मतलब सबसे जो ज्यादा स्ट्रांग एसिड वो ये है उसके बाद स्ट्रांग एसिड ये है उसके बाद ये है और उसके बाद ये है आई बात समझ में तो ए आपका आंसर क्या हो गया सही आ गया ए आंसर आपका सही आ गया बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई और जहां एक घंटा पूरा होता है आपकी बिस्तर गोल हो जाते हैं आपको बस गुड नाइट चाहिए होता है तुरंत ठीक है चलो ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट क्वेश्चन है भाई बस लास्ट क्वेश्चन है ससो फटो फलो चलो हम लोग फटाफट फड़ शेयर करो सेशन को सब लोग फटाफट सेशन को शेयर करो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बस आज का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा भाई लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएंगे ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग लो कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएंगे सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो देखो 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 और सुनो इस क्वेश्चन का आंसर देखो और सुनो सबसे पहली बात आपको इनमें क्या चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए लिए आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए पॉजिटिव चार्ज चेक करना है पॉजिटिव चार्ज चेक करना है पॉजिटिव चार्ज चेक करना है और अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चेक करना है पॉजिटिव चार्ज अगर आपको चेक करना है तो इसका मतलब क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज तो सब में सेम है और पॉजिटिव चार्ज सब में सेम हो गया इसका मतलब है अब आपको यह चेक करना होगा कि किस मेटल आयन का साइज छोटा है या फिर कौन सा मेटल आयन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो 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 कुछ इस तरीके से कर मन तो है नहीं और यहाँ एफी आपको यह पता चलना चाहिए आपको ये सोचेंगे राइट जाएंगे तो यहां पर यह साइज क्या होगा साइज क्या होगा डिक्रीज होगा लेकिन यहां पर एक यहां पर एक क्या होता है एक एक्सेप्शन कह सकते हो एक्सेप्शन होता है एक्सेप्शन क्या होता है एक्सेप्शन क्या होता है एक्सेप्शन यहाँ पर एक होता है एक्सेप्शन ये होता है कि आपका जो ये शक्ति का साइज तो सबसे बड़ा उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आपका साइज होता है वो क्या होता है क्रोमियम और और इसके बाद आपका आता है Vanadium, और फिर आता है एफी ये होता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज जो हमें पता चलता है ये साइज का क्या होता है करेक्ट ऑर्डर होता है साइज ऑर्डर साइज ऑर्डर ठीक है तो साइज ऑर्डर ये हो जाता है थ्री प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में ध्यान रखिएगा थ्री प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में थ्री प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये होना चाहिए था ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं होता है लेकिन ये नहीं होता है और ये होता है जिस वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड होगा वो भी क्या होगा इसी ट्रेंड में होगा सबसे पहले एस वाला सबसे ज्यादा साइज की बात करें तो सबसे पहले एफ वाला एफ उसके बाद वेनेडियम उसके बाद क्रोमियम और उसके बाद स्कैंडियम इसके तो आपका यहां पर बी आंसर जो होगा वो क्या होगा सही होगा बी विल बी द करेक्ट आंसर बताइए भाई बी विल बी द करेक्ट आंसर

ट्रांजिशन मेटल्स ध्यान से सुन लो सब लोग जाते जाते ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स का आयनिक साइज आप गूगल कर सकते हैं या फिर मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा किस किस स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है ट्रेंड प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है ट्रेंड और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है ट्रेंड और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है ट्रेंड क्या इनमें किसी भी ट्रेंड में कोई एक्सेप्शन होता है क्या उसको देख लेना बस एक्सेप्शन वाला केस बाकी सबके सब तो वही होते हैं जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ठीक है तो दैट इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे और थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन होपफुली आपको इस तरीके से टॉपिक को रिवाइज करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा अब आप सब लोग जाइए और उन तीनों लेक्चर्स को देखिए जिनको मैंने आपको यहाँ पर बताया था जिनको मैंने यहाँ पर आपको बताया था जिन लोगों ने ना देखा हो वो लोग इन तीनों लेक्चर्स को जरूर देखिएगा ठीक है तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर बी आंसर कमेंट किया काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी बात है सो थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए गुड नाइट एवरी वन टेक केयर अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन किसी तरीके का है आपके मन में किसी भी तैयारी से रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग मेडिकम के ऑनलाइन क्लासेस से रिगार्डिंग या कोई भी समस्या दुख परेशानी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आई विल बी देयर मैं यहाँ पे हूँ आई विल भी क्या मैं यहीं खड़ा हूँ आपके सामने कमेंट करके आंसर बता सकता हूँ आपको ठीक है थैंक यू सो मच बबीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भाई सेशन को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कराओ जिनसे जिनसे सब्सक्राइब करा सकते हो ठीक है दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ घर में इतने सारे फोन है सबसे सब्सक्राइब करा दो एक लाख का नंबर क्रॉस कराओ फटाफट ठीक है फटाफट सब्सक्राइब करो नेक्स्ट क्लास कब है पर डे नाइन पी पर क्लास होती है ध्यान रखिए पर डे नाइन पी पर क्लास होती है अब लिखता नहीं हूँ मैं पर डे नाइन पी पर क्लास होती है ठीक है मंगल पर डे नाइन पी पर क्लास होती है पर डे नाइम प्री पर क्लास होती है और ये लेक्चर्स भी देखो स्टैटिस्टिकल के अवेलेबल है इन्हें भी पढ़ना सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं लक्ष्मी साहू जी का डाटा खत्म हो गया ओके कोई बात नहीं तो चलिए कोई बात नहीं हम जुड़ते रहेंगे हमारी बातें होती रहेंगी आपकी पढ़ाई होती रहनी चाहिए बस यही इंपॉर्टेंट है थैंक यू सो मच गाइस लास्ट में क्या आंसर है मैं देख नहीं पाई लास्ट में जो आपका आंसर था मैं ही बता देता हूँ मैं ही आपको बता देता हूँ बी आंसर था ठीक है भी आंसर था इस क्लास की क्लास पीडीएफ आपको मैट के के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है लक्ष्मी साहू मैंने बता दिया आपको चलो ठीक है भाई समझ गया मैं सर नहीं समझ आया आ, अमर एक बार लेक्चर को पीछे करके देख लेना लेक्चर को पीछे करके देख लेना एक बार ठीक है समझ में आ जाएगा ओके गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट टेक केयर गुड नाइट थैंक यू सो मच गुड नाइट